सुपेला के गुरुद्वारा प्रबंधन कमेटी और छत्तीसगढ़ सिख पंचायत के पदाधिकारियों ने प्रेस वार्ता में कोका निवासी दलबीर कौर पर झूठा परिवाद कोर्ट में पेश कराने का आरोप लगाया है। सुपेला के गुरुद्वारा प्रबंधन कमेटी के अधिकारियों ने बताया कि दलबीर कौर ने 2015 में गुरुद्वारा कमेटी से कुछ रुपए एडवांस देकर दुकान किराए से ली और दुकान में लगे सामान का 5,000 रुपए अलग से दिया। 2,000 रुपए मासिक किराया भी तय किया गया, लेकिन महिला ने कभी किराया जमा ही नहीं किया। जब भी उनसे किराया मांगा जाता वह झगड़ने लगती और ये आरोप लगाया कि बगल की दुकान आवंटित करने उन्होंने प्रबंधन कमेटी के अध्यक्ष अनूप सिंह को 2,00,000 रुपए दिए हैं, जबकि महिला के पास कोई साक्ष्य नहीं है, न कभी दिया था। महिला बस झूठा आरोप हम सभी पर लगा रही है। छत्तीसगढ़ सिख पंचायत के पदाधिकारियों ने कहा कि कमेटी के पास सारे दस्तावेज मौजूद हैं, वे सभी न्यायालय के समक्ष सबूत पेश करेंगे। इस मौके पर सिख पंचायत के चेयरमैन जसबीर सिंह चहल, महासचिव गुरनाम सिंह कुका, अध्यक्ष पलविंदर सिंह रंधावा, अनूप सिंह, सुखवंत सिंह आदि मौजूद थे। जैसे कि आपको मालूम है कि पिछले दिनों ये बीबी दलबीर कौर करके हैं, उनके द्वारा जो एक प्रेस अपने न्यूज़ में दिया गया था, तो उसी को लेकर जो है आज प्रेस वार्ता हुई है। उनके द्वारा जो गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के जो पहले संचालक थे उनके ऊपर भी आरोप लगाए थे, एवं जो वर्तमान के जो प्रधान हैं सरदार अरविंदर सिंह पलविंदर सिंह जी, उनके ऊपर भी आरोप लगाया। इसके अलावा एक सुतवंत सिंह हमारे सिख नौजवान हैं, उनके ऊपर भी आरोप लगाए हैं। उसी आरोप को लेकर जो आज की ये प्रेस वार्ता हुई है, और मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि ये मामला जो है पिछले 4 साल से चला आ रहा है, जिसमें बीबी दलबीर कौर द्वारा जो एक गुरुद्वारा परिसर की दुकान थी जिसमें वो 4 साल से किराए में रह रही थी, और 4 साल का उसने एक बार भी किराया नहीं दिया, और इसमें एक बार भी जो किराया नामा भी जो है उसने एक बार भी नहीं बनवाया, जिसमें से 45,000 की जो पगड़ी है, अभी आपको मैंने वो छू की थी, जिसमें 45,000 की जो एक पगड़ी की जो राशि 45,000 और प्लस 5,000 का जो खर्चा था शटर वगैरह का, उसकी रसीद जो है गुरुद्वारा द्वारा काटी गई है। इसके अलावा जो है उन्होंने गुरुद्वारे के जो पूर्व संचालक थे सरदार अनूप सिंह, उनके ऊपर भी उन्होंने आरोप लगाया है कि उन्होंने मेरे से 2,00,000 रुपया लिया है। इस बात को लेकर छत्तीसगढ़ सिख पंचायत भिलाईदुर के पास ये बात आई थी, और छत्तीसगढ़ सिख पंचायत भिलाईदुर द्वारा कम से कम भी जो है इसमें 3 मीटिंगें की गई है। 3 मीटिंगें करके उनको बुलाया गया था और बुला के उनसे पूछा गया था कि क्या तथ्य आपके पास, उसको साबित कीजिए, तो इस मामले में वो कोई भी तथ्य पेश नहीं कर सकी, ना कोई सबूत क्या खर्चा हुआ है। आप जैसे जानते हो कि गुरुद्वारा की परिसर की जो दुकानें बनी थी सब एक साथ बनी थी, और इसकी कोई किसी की ये निजी संपत्ति तो है नहीं है। इसके अलावा जो सबसे बड़ी बात ये हुई है, जो दलबीर कौर थी उन्होंने जो किराए में रह रही थी उन्होंने अपना जो ये दुकान जो है किसी और को फिर किराए में दे दी, गुरुद्वारे की दुकान बिना बताए गुरुद्वारा परिसर वालों को कमेटी को किसी और को किराए में दे दी। उसके बाद कम से कम 1 महीना जो है जिसको दी थी वो रहे, और उसके बाद वो 1 महीने के बाद इनका क्या लेन देन हुआ वो उसकी पूरी जो है एक जानकारी आपको दे दी गई है। तो उसके बाद वो उसने 1 महीने के बाद वो दुकान छोड़ के उसने जो भी उसका सामान वगैरह था उसका सब वहाँ पर जमा करवाया है, और इस बात को लेके ये जो पुलिस की जांच हुई है जांच में पहले कुछ नहीं पाया गया, और उसके ये 2 साल पहले जो केस बंद हो गया था और फिर से जाके माननीय न्यायालय में इन्होंने लगाया है, और हमें अखबारों से ये पता चला है कि विविध दलबीर कौर द्वारा जो है ये झूठे आरोप जो है वर्तमान प्रधान एवं पूर्व संचालक एवं अन्य सतवंत सिंह के ऊपर ये आरोप लगाए हैं, ये हमें अखबारों से पता चला है, और ये जितने भी आरोप हैं ये बिल्कुल ही झूठे हैं, ये बिल्कुल निराधार हैं। तो आज की जो प्रेस वार्ता है इसी चीज़ को लेके हुई है, और हमारे पास इस बात के पुख्ता सबूत है, हर मीटिंग के एक एक कागज़ हमारे पास पड़ा हुआ है, और जो 40,000 की जो एक राशि थी जो जमा की उसकी भी एक हमारे पास लिस्ट पड़ी हुई है, 5,000 खर्चा जी, हाँ टोटल 45,000 है, और जो इकरारनामा जो इन्होंने किया है किसी और के साथ जो इकरारनामा किया है वो इकरारनामे की भी जो कापी है आपको दी गई है, इकरारनामा भी किया गया है, जो भी है उसका एक संक्षेप जो है हमने इसमें दे दिया गया है। रेड न्यूज के लिए अतुल शर्मा की रिपोर्ट।